जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा नहीं है, वो कोई और बोल रहा है। हम जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अभिमान करते हैं हम बड़े विचारवान हैं, परंतु असल में वो विचार हमारे नहीं हैं, आसमान में उड़ रहे हैं बड़े बड़े ऋषियों के विचार हैं, महापुरुषों के विचार हैं, देवताओं के विचार हैं, सर्व भगवान के विचार हैं, केवल हम अपनी जी को ऐसे स्थान पर लगा देते हैं कि उनकी आवाज हमारे द्वारा मुखरित हो जाए। इसलिए जो अपने विचार का या अपनी एकाग्रता का या अपने प्रवचन का अभिमान है तो वो ठीक है, उनका तो बिल्कुल वही है जो सबके अंदर बोलता है, परंतु आपकी सूझ कहाँ लगी है, किस स्टेशन का प्रादकाश आप जो रिसीव कर रहे हैं, इतने ही देखने की बात होती है। आप सच समझो, दुनिया में किसी को ये हक नहीं है कि वो कहते कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसने कण 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 एक एक मन एक एक तन एक एक जीवन ब्रह्मांड का आदि ब्रह्मांड का अंत, प्रकृति की आदि प्रकृति का अंत, प्रकृति का आविष्कार उस स्थान को देख नहीं दिया है, बिना देखे वो कहीं से सुन के आया है या उसकी बुद्धि अस्त्रता से भरपूर है, विचार की गंभीरता में प्रवेश नहीं करती, जहां तक अपने आत्मा का अस्तित्व है और ये बात नोट कर लो कि कभी किसी को भी अनुभव नहीं हो सकता कि मैं मर गया, क्योंकि मैं मर गया ये अनुभव जिसको होगा वो सुनता है। अनुभव के क्षेत्र में मृत्यु नहीं है, ये तो एक आंखों का धोखा है, न मट्टी मरती है न पानी मरता है न आग मरती है न हवा मरती है न आसमान मरता है न मन मरता है न बुद्धि मरती है न आत्मा मरता है, ये तो सब परमात्मा का स्वरूप है। तीन बात हमारे जीवन में आनी चाहिए, नहीं तादृशम ब्राह्मण त्याग की उत्तम यथैकता समता संगता च, अनुभव में एकता हो, चित्त में समता हो और व्यवहार में असंगता हो। पहली बात यह है कि कहीं फंसो मत, द्रव्य में मत फंसो, स्थान में मत फंसो, व्यक्ति से मत फंसो, क्रिया से मत फंसो और काम अपना सब करते जाए। ईश्वर का स्वभाव है कि वो सब कुछ करता हुआ और करने के अभिमान से सर्वथा मुक्त है,
कि भाई ईश्वर ही सृष्टि बनाता है, बहुत मशहूर बात है, प्रसिद्ध है। पर भागवत में एक स्थान पर ऐसे लिखा है, नास्ति कर्मन जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माया रूपितम् उपर। मैं अभिप्रेत नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि परमेश्वर त्योहार की तरह सृष्टि बना रहा है या बाप की तरह बच्चे को पैदा कर रहा है। जब तक प्रतिषेधार हम उचित है, प्रतिषेधार हम अनुविधियत है, दूसरा कोई करता नहीं है, माया से परमात्मा में आरोपित कर देते हैं और अपवाद कर देते हैं। परमात्मा का जो सहज स्वरूप है वो निर्विकार, यदि परमात्मा निर्विकार न हो तो महात्मा भी निर्विकार नहीं होता, और महात्मा निर्विकार न हो तो कोई जिज्ञासु शिष्य सेवक साधक भी निर्विकार होने की आशा नहीं रख सकता। तो परमात्मा का स्वरूप है निर्विकार। एक बार का प्रश्नोत्तर सुनाता हूँ, श्री उड़िया बाबाजी महाराज के दो भक्त थे, दोनों में परस्पर वाद विवाद हुआ। एक का कहना था कि उड़िया बाबाजी बड़े निष्ठुर हैं, दूसरे का कहना था कि बड़े दयालु हैं। परस्पर दोनों में बहस हुई, दोनों बाबा के पास पूछने गए। दोनों ने कहा, बाबा तुम निष्ठुर हो, असंग हो कि तुम दयालु हो? दोनों ने बताया नहीं कि हमारा क्या क्या मत है। बाबा बोले, बेटा मेरा स्वरूप निष्ठुर है, असंग है, और मेरा स्वभाव दयालु है। भगवान का यही स्वभाव है। रघुवर रावरी यह बड़ाई, निदर जनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकार। भगवान का स्वभाव यह है, जिसमें अपनी शक्ति नहीं है, अपना बल नहीं है, दूसरे का भरोसा नहीं है, उसके बल वही है, उसकी शक्ति वही है, उसका भरोसा वही है। अपने घर में घर गुरु गृह प्रिय सदन चातुरी भाई जन जन पहुनाई कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर में मां चलाती है तो शिष्य भी आमंत्रित करते हैं प्रसाद देने के लिए, तो ससुराल जनकपुर में जाते हैं पाहुने बनकर, अपने मित्रों के घर जाते हैं पार्टी में, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन कहते हैं कि सदरी ने जो स्वाद दिया था हमको, सदरी ने जो आनंद दिया था हमको, वो तो कहीं किसी के घर में माँ के हाथ से भी नहीं आता, गुरु जी के हाथ से भी नहीं आता। ससुराल में चाली बरहज सास खिलाती है कभी नहीं आता है, मित्रों के घर भी नहीं आता है। ये अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव अत्यंत कोमल है, निदर जनी आदर गरीब पर शरत कृपा अधिकारी। जो गनी है, गण्यमान्य सज्जन है, अंगुलियों पर गिनने लायक, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं गरीबों की ओर। असल में
ज्ञानी ज्ञानी सिद्धांत चरण साधन चतुष्ट संपन्न गुरु प्रसन्न मुमुक्षु श्रवण मनन निधि ध्यान करने वाला भगवान को उतना प्यारा नहीं है जितना प्यारा अस्वस्थ है असमर्थ है। जिसमें कोई विशेषता नहीं है उसमें भगवान अपनी विशेषता प्रकट कर देते हैं। भगवान को कभी टेलीफोन करना हो तो आप किस नंबर पर टेलीफोन करेंगे? उनके टेलीफोन का नंबर शून्य है। अपने दिल को खाली कर दीजिए, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं रहे, और देखिए भगवान से आपकी बातचीत होने लगती है। एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो जैसे आजादी का वर्णन है ना वेद शास्त्र पुराणों में, वो मरने के बाद के लिए नहीं, इसी जीवन में इसी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए है। स्वर्ग सत्व गुण हो गया, भागवत ने बताया नरक तम उन्नाह उन्नाह स्वर्ग सत्व गुण हो गया। नरक क्या है? जब हमारे जीवन में प्रमाद आता है, असावधान, बस नरक में गए। प्रमादम वही मृत्यु हम प्रभु न वही मृत्यु व्याग्रवाजन मौत बात के समान किसी को निगलता नहीं है। जब हम असावधान हो जाते हैं अपने जीवन में, प्रमाद करते हैं, जब तब मौत हमारे पास आ गई। तमोगुण की वृद्धि आलस्य निद्रा प्रमाद में रहना ये नरक है, और हमारे जीवन में सत्व गुण का उदय हो लो अभी स्वर्ग। स्वर्ग सत्व गुणोदय ये भागवत का है, भागवत का श्लोक है। नरक समोन्ना स्वर्ग सत्व गुणोदय जीवन जीवन सात्विक होना चाहिए, अनिद्रा आलस्य प्रमाद न हो, लोभ प्रवृत्ति से प्रेरित न हो, ईश्वर की सेवा के लिए हमारा जीवन चल रहा हो। भला बताओ पूर्वक नीत कहे सुख मानव बानर बंद बना। भगवान का स्वभाव क्या है? पूर्वक मित्र कहो बड़े प्रसन्न, बानर बंधु भगवान को कहो बड़े प्रसन्न। देवक नीत कहे सुख मानव बानर बंधु बड़ाई, ये भगवान का स्वभाव है। वो चंद्रों को बोलते हैं भारतों से मोही अभुत प्यारे। भगवान गुरु वशिष्ठ को बानरों का परिचय देते हैं कि ये मुझे भारत से ही ज्यादा प्यारे हैं। बताओ ऐसा ऐसा कौन होगा? जात साह सुचा लोग किसी परछाई गुस्ती जाने पर अपने ऊपर जल छिड़का करते थे, अपवित्र पवित्र हुआ, उनको भगवान रामचंद्र अपने हृदय से लगाते थे। भगवान के स्वभाव में ये विशेषता है। कोई स्वभाव की बात पूछ रहे हुमा राम स्वभाव जो जाना सारी भजन तजी स्वभाव नहाना। एक बार मैं बनारस से निकला पैदल, आने पैसे
और 100 मील की यात्रा थी। एक पैसे का चोड़ा अब से 55 बरस पहले की बात होगी। एक पैसे का मुरमुरा या चूड़ा हमारे खाने घर का मिल जाता और नमक ले लेता छलुए और पानी में डाल के चूड़ा नमक उनको खा लेता। कई दिन में पैदल चल के पहुंचा। सर्दी के किनारे एक महात्मा रहते थे, वो छुटे न मिले। कई समय हो रहा था, सैकड़ों दूर पैदल चल करके पैसे आए। मैंने कहा, महाराज आपका दर्शन करने के लिए आया, मैं चाहता हूँ कि भजन हो। उनसे भजन होने लगे और उनकी आंखों से जहर जहर आंसू करने लगे। कहता था, मेरी बात सुनते ही शरीर में रोमांच हुआ, गुनगुना गए। उनके मुंह से निकला, उमा राम सुभाव जो जाना, ताही भजन सजी भाव में आना। जिसने भगवान राम के स्वभाव को जान लिया, उसको भजन छोड़कर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कह दिया राम ने, परम ममयो मरणम मत भक्तो अन्यते कथम। मैं मर जाऊंगा परंतु मेरा भक्त नहीं मर सकता। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर रोने लगे तो बोलते थे, मैं लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहा हूं, विभीषण को मैंने लंका का राज देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यदि लक्ष्मण मर गए तो मैं लंका पर विजय कैसे करूंगा और विभीषण को राजा कैसे बनाऊंगा। ये भगवान का स्वभाव। नारायण श्री जामुनाचार्य जी महाराज पुकार के बोलते हैं, न धर्म मनुष्योस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वच्चरणारविंदे। न धर्म मनुष्योस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वच्चरणारविंदे। अचिंतनोऽनन्य गतिश्चरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, आत्मज्ञानी भी नहीं हूँ, तुम्हारे चरणों की सच्ची भक्ति भी नहीं है। मैं अचिंतन हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं, अनन्य गति किसी दूसरे का भरोसा भी नहीं। अब आपको शरणागति के लिए और कौन पात्र मिलेगा। दो बात चाहिए, एक तो दूसरे का भरोसा न हो और एक अपनी पोटली जो है ना वो बंधी हुई न हो। अचिंतनोऽनन्य गतिश्चरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, बैंक बैलेंस जमा करके नहीं आया हूँ, किसी मिनिस्टर का चमचागिरी करके नहीं आया हूँ। तुम्हारे सिवाय और हमारा कोई सहारा नहीं है। एक बार किसी चीजें हो, एक बार अनाश्रय हो के आप देख तो लीजिए, देखेंगे आप वहाँ भगवान की शक्ति उतरती है। महात्मा ने हमसे कहा
यह सब भजन होगा। दस पंद्रह पहले के बाद और फिर गीत से भगवान के नाम का उच्चारण होने लगा। तीन दिन रहा मैं उनके पास, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, पर पत्थर 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 बिल्कुल फिर बंद हो गया। तो मैंने कहा कि बंद हो गया, तो बोले कि तब क्या तुम्हारी सीट पर बैठते हम ही भगवान का नाम जप करते रहे? अरे भाई हाथ पांव सीखो, कुछ प्रयत्न करो, भगवान को गरज होगी जब हमारी सीट पर आके नाम बोलने लगेगा, भगवान की गरज होगी तो हमारी आंखों के सामने आके दर्शन देंगे। तुम्हें तो कोई गरज नहीं है ना, तुम्हें तो बच्चा पैदा करने की गरज है, धन कमाने की गरज है, शरीर की सेवा करने की गरज है, और तुमसे मिलने की गरज भगवान को होनी चाहिए। आप सच समझो, थोड़ी सी जीवन में भगवान के लिए लालसा होनी चाहिए। एक लालसा मन महारो संती बस बालिंती सत नत नागर नवर निहार। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जैसे मैं शर्त देता हूँ सब नहीं करता, लेकिन सब हमारी शक्ति कब काम करने लगती है? कोई गिर पड़ा है ना धरती पर, तो जब वो खटपटाता रहे उठने की स्वयं कोशिश न करे, खटपटाता रहे तो उठाने वाले उसको उठा नहीं पाओगे। जब वो शांत हो जाए, चुपचाप हो जाए, तो उसको उठाने में बड़ी सुविधा हो जाती है। कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्तितो मैं तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयायत कल्पते वै। ये मौत से जुड़ा हुआ मनुष्य, मौत का वर्णन हम करते हैं मौत के बाद के लिए नहीं, मौत का वर्णन करते हैं जीवन के निर्माण के लिए। सब भरोसा छोड़ते हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदित आत्मा, मैं मेरा नहीं हूँ तुम्हारा हूँ। ये देखो वेदांतियों के लिए ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। वे अपने तन मन धन सर्वस्व को माया के हवाले करके स्वयं परमात्मा से एकता का अनुभव करते हैं। ये सांसवादियों के लिए भी अनहोनी बात नहीं है। वो अपना तन मन धन सर्वस्व प्रकृति के हवाले करके स्वयं अपने को असंग आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ये कर्मवादियों के लिए भी कोई नई चीज नहीं है। सब कुछ प्रारब्ध के हवाले करके कुछ चयन करते हैं। भक्तों के लिए ये कितना सुगम है, न प्रारब्ध के हवाले, न प्रकृति के हवाले, न अविद्या के हवाले, न माया के हवाले, किसके हवाले, अपने प्रियतम प्रभु के चरणों में सब कुछ डाल दिया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब भगवान कहते हैं इसी की स्थितों में विशिष्टा दर्शन इच्छा, विशिष्टा दर्शन इच्छा। अब हम उत्कृष्ट पुरुष को विशिष्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर हमारी वाणी, हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान किसी जीवन में हो। भागवत में तो ये बात कम से कम 20 बार आई है।
इस जीवन में हम अच्छे अच्छे काम करें, इसके लिए हम परमेश का वर्णन करते हैं। ये बात भागवत में बीसों युग आई है। मरने के बाद के लिए कर्तव्य नहीं होते, कर्तव्य किसी जीवन के लिए होते हैं, और मरने के बाद का लाभ बता के हानि बता के करना इसी जीवन में बताते हैं। कर्म लेवाधिकार से हाँ प्रवेश सदा करना, और ये भी एक कर्म है कि हम भगवान के आश्रय पर हो जाए। निमज्जतोदंत भवान नवांता दुराय में कूल अनुवासि लब्धा त्वयापि लब्धं भगवन्निदानी अनुत्तमं पात्रमिदं दयया। प्रभु इस अनंत संसार सागर में मैं न जाने कितने जन्मों से डूबता उतराता हुआ आया हूँ। बहुत जन्मों के बाद, युग युग के बाद, जन्म जन्म के बाद ये साग पूरी हुई है कि समुद्र में बहता हुआ प्राणी किनारे पर पहुंच गया है। लेकिन ख्याल रखना, मैं ही ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारे जीवन में भी प्रभु तुम्हारे अनादि अनंत जीवन में भी ऐसा दया का पात्र कभी न अब तक मिला है न आगे मिलेगा। यदि मेरा उद्धार नहीं करोगे, यदि मुझे तुम अपनी गोद में नहीं उठा दोगे, यदि मुझे तुम प्यार नहीं करोगे, तो फिर मेरे जैसा तुमको भी कभी नहीं मिलेगा। तुम भी कह सकता होगे कि इतना हीन दीन मुझे मिल गया था और मैंने उसका उसको चरण में नहीं दिया, उसको प्यार नहीं किया, उसको अपनी गोद में नहीं बैठाया। तुम भी सकता हो। रही बात हमारी, हमारे जीवन में दुख आते हैं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम सब कहते हैं अभूतपूर्व मम भाग कुंबा सर्वम सहे मे सहजम सुदुखम किंतु त्वदग्रे शरणागताना परा भवो नाथ न तेनुरूप। प्रभु मैंने जन्म जन्म से दुख सहा है, अब दुनिया में ऐसा कोई नया दुख है ही नहीं जो हमारे पास आवे और हमने पहले उसको सह के तड़का न दिया। अब तो दुख सहना मेरे लिए सहज हो गया है। इतने दुख सहे, इतने दुख सहे, इतने दुख सहे, मैं जानता हूँ दुख कहा से मेरा दुख गुजार नहीं सकते। चिंता है तुझे कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, किंतु स्वदग्रे शरण आ जताना परा भवो नाथ न ते रूपा। मैं तुम्हारा सैनिक हूँ, मैं तुम्हारा सेवक, मैं तुम्हारा हूँ। जब सेना हारती है तो लोग कहते हैं राजा हार गया, जब सेना हारती है तो होता है सेनापति हार गया, राजा हार गया। मैं तुम्हारा हूँ, मैं जब दुखों के सामने हार जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भगवान का सेवक दुखों के सामने हार गया। हम दुखों को दिखा देना चाहते हैं कि जब तुम में दुख देने की शक्ति है, सताने की शक्ति है, तो हमारे अंदर भी सहने की शक्ति है,
मैं मामूली नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक नारायण, आप चलो देखो क्या आनंद है। जहाँ हम भगवान की ओर मुख करके खड़े हुए कितनी देर भगवान की ओर पीठ हो गई, जहाँ मुँह हुआ भगवान की ओर बस काम बन गया। आपने सुना होगा इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन के आया और उसने अपने चोट से और पंजे से सीता जी के शरीर पर वक्षस्थल पर आक्रमण करके भगा। रामचंद्र ने चलाया सीत का बाण, तीन दिन से उसको शरण नहीं मिली, आके गिरा तो भगवान की ओर की और मुंह दूसरी तरफ। अब भगवान तो देख रहे उसको उठावे ने, तब सीता माता ने इस कौवे को उठाया और उसका मुंह भगवान के चरणों की ओर कर दिया और पीठ दूसरी तरफ कर दी। जहाँ उसका मुंह भगवान की ओर हुआ और श्री रामचंद्र ने उसको उठा दिया, जोर से उठा दिया, उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए। बस एक बार भगवान की ओर मुंह होने की जरूरत है, कोई नहीं हो न योग न समाधि न ज्ञान न ध्यान न उपासना न आपासना। एक बार उस पूर्ण के साथ हमारा संबंध हो जाए, उस उद्गम के साथ जिससे गंगा जी निकलती है, उसके साथ हमारा संबंध हो जाए, बस अमृत ही अमृत जीवन में हो। और इसके लिए कोई बहुत प्रयास की आवश्यकता, बहुत भगत का पवन प्रयास है, दूध नज्ञा प्रसाद मत उपवासा सरल सुधार न मन सुखदायी जथा लाभ संतोष सदाई मोर दास सहाय न रहता करें तो कहो कहा विश्वास। हमारे जीवन जीवन में सख्त आनंद में डर रहा है, ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानातिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है तो चिंता का है, मस्ती से मस्ती को भगवान की ओर करो। बस एक बात आप आसान से आसान बात भगवान का नाम, आप मोटर में चलते रहिए, नाम लेते रहिए, बस में चलिए, रिक्शे पर चलिए, पैदल चलिए और भगवान का नाम ले। शरणागति को कठिन बिल्कुल नहीं मानना, नाम और प्रणाम भगवान को कर दे नम, भक्त को कर दे नम्र, दोनों हुए जीते नम प्रभुभावे। नाम और प्रणाम इधर भगवान के हृदय में दया उमड़ी, इधर भक्त विनय से झुका भगवान के चरणों में नम्र हुआ, नाम लिया नमयति नामयति बात भगवंता। प्रणामानम प्रणाम, एक बार झुक गए, एक बार भगवान के सामने झुके और भगवान ने हृदय से उठाया, नाम लो भगवान का नाम लो।
महात्मा से कहा बड़े शुद्ध महापुरुष वही नर्मदा जी के तट पर 40 मैंने कहा महाराज हमको आप भगवान की शरण में डर दीजिए। जैसे पिता अपनी अबोध बालिका का हाथ पकड़ के और पति के हाथों में समर्पित करता है, वैसे आप मुझे भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और बोले पंडित ऐसी क्या चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है? क्या पृथ्वी को भगवान धारण नहीं करते? क्या पानी में प्रवाह भगवान की शक्ति का नहीं है? क्या अग्नि का उर्ध्वत ज्वलन भगवान की शक्ति से नहीं है? क्या वायु का तेजक गमन भगवान की शक्ति से नहीं है? क्या ये अवकाशात्मक आकाश शब्द को चारों ओर फैलने दे रहा है, ये क्या भगवान के प्रति अर्पित नहीं है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी तन्मात्राएं अहम तत्व, महत्त्व, प्रकृति, अविद्या तत्व, माया तत्व, क्या परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है? क्या बोलते हो? जाओ कल विचार करके आना, जो चीज भगवान की शरण में नहीं है उसको मैं शरणागत कर दूंगा। मैं विचार करने लगा ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं है? भगवान की सत्ता से ही सत्तावान है, सत्ता जो विश्व जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समुदाय जो छह भाव पदार्थ है, जो सातवां अभाव पदार्थ है, जिसको है कैसे हम बोलते हैं? एक है जो सब में है, किसी को बोलते हैं सत्ता योगित्व। ये सत्ता कहाँ से आती है? सब में परमेश्वर की सत्ता है। इसमें प्रकाश कहाँ से आता है? परमात्मा का प्रकाश है। इसमें सुख कहाँ से आता है? ये परमात्मा का सुख है। कोई भी भाव पदार्थ तब तक भाव हो ही नहीं सकता जब तक उसमें परमात्मा परमात्मा की सत्ता काम न कर रही है। कौन हो तुम? अरे मैं सोचने लगा हे भगवान, तो चीजें ऐसी नहीं मिलती है जो भगवान के प्रति समर्पित न हो, जो भगवान की शरण में न हो। महात्मा ने बताया कि मैं समर्पित नहीं हूं, ये भ्रम है। अहमस्मि मम नाथ यदस्ति अहम सकलम तद्धी तवैव माधव। जो कुछ मेरा है और जो कुछ मैं हूँ वो प्रभु तेरा है। नियत स्वमिति प्रबुद्धि, नियत स्वता तुम्हारी है, तुम्हारा है, तुम हो। जाग्या बुद्धि, जग गई, सजग हो गई बुद्धि, अब मैं आपको क्या समर्पित करूं? मम नाथ जगस्ति योस्म्यहम् सकलं तद्धि तवैव माधव नियतस्त्वमिति प्रबुद्धि अथवा किं नु समर्पयामि ते। मैं जो कुछ स्वरूप से गुण तो सहानी यथा तथा दुधा तदयम तव पाद कर्मयो अहमत्यैव मया समर्पिता।
मैं जो कुछ हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खड़ा हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, जो कुछ हूँ, तो तुम्हारे चरणों में समर्पित है, पहले से समर्पित है। इस समय याद आ गया, मालूम पड़ गया कि सब समर्पित है। समर्पण एक सत्य है कि परमार्थ से पृथक समर्पण नहीं है। एक भ्रम है कि हम समर्पित नहीं है, एक बोध है कि जैसे सोने में सोने के पत्ते पर गणेश की मूर्ति उठा दी गई, सिंह की मूर्ति उठा दी गई, मंदिर बन गया, मकान बन गया, रसोई घर बन गया, बाथरूम बन गया, पर है सब सोना। इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व कुछ छोड़ने पकड़ने का नहीं है। वो नहीं विकृतिम त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्म तयावसितम्। श्रुति कहती है, भागवत की श्रुति कहती है, नहीं विकृतिम त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया। कोई भी सोने से बने जेवर को फेंक नहीं देता है, क्योंकि सोने का जेवर भी सोने ही है। भगवान हमारे मरण के बाद ही नहीं है, मरण के पहले जीवन में है। भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का गुण है, भगवान का सील है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वरूप है। और नाम निरूपण नाम जतन से तो प्रगटत जिन मूल रतन से। आओ भगवान के नाम का उच्चारण करो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। देखो मंगल ही मंगल ही मंगल है, अमंगल का कहीं लेश भी नहीं है। निर्द्वंद्व जीवन चलने को निश्चल निर्भय